नेक्स्ट पे जो सीबीएसई का क्वेश्चन फर्स्ट है, सो दैट द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमें बताना है कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, हमें ये तो पता है कि जो डायगनल्स होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, बट हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमें प्रूव करना है. तो उसको कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले एक ड्रॉ किया रोम्बस ए बी सी डी. क्या गिवन है हमें, गिवन ए बी सी डी इज रोम्बस. ए बी सी डी हमें रोम्बस गिवन है और प्रूव क्या करना है हमने, परपेंडिकुलर. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, जॉइन ए टू सी एंड बी टू डी. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, हमें परपेंडिकुलर शो करना है. इट मीन्स टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी. कैसे प्रूव होगा ये, मेरे पास में देखो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है ए ओ बी एंड बी ओ सी में. ध्यान से देखो, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के. क्यों है, इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की साइड है तो इक्वल होंगी ऑल. अब ध्यान से और देखो, ये जो इसका डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्टर तो होते हैं, ये हमें पता है, तो बाइसेक्टर हो जाएंगे. मीन्स ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू, हम इसमें लेके चल रहे हैं सिर्फ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू कॉमन. ये बाइसेक्टर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइड साइड और साइड. सो साइड साइड से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल बी ओ सी के बाई एस एस रूल. एस एस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गए. अब ध्यान से देखो, अब हम क्या प्रूव कर देंगे कि ए ओ बी किसके इक्वल है, बी ओ सी के. सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाई सी पी सी टी. सी पी सी टी से हमने दोनों इक्वल प्रूव कर दिए, बट ए सी इज अ लाइन, ए सी अगर लाइन है सो ये कंप्लीट कितना एंगल बनाएगी, 180. सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. सो ए ओ बी और बी ओ सी दोनों इक्वल थे, इक्वेशन दे देते हैं इसको 1. सो ट्वाइस ऑफ ए ओ बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री. सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब ये 90 डिग्री हो गया, ए ओ बी 90 डिग्री हो गया, तो सी ओ डी क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वो भी 90 हो जाएगा, और बी ओ सी 90 अभी हमने प्रूव किया, तो ए ओ डी भी क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. हेंस प्रूव. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी. सबसे पहले हमने क्या किया, हमें गिवन था सो दैट द डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमें पता है कि रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सो हमने डायगनल्स को ज्वाइन किया
और इन दोनों ट्रायंगल को लेके चले, किन्हीं भी दो ट्रायंगल को लेके चल सकते हो। साइड हमें मिल जाएगी, दोनों कॉमन है, इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। और जो ये डायगनल्स थे हमें परपेंडिकुलर शो करना था, बट वो बाइसेक्टर तो थे ही, वो बाइसेक कर रहे थे एक दूसरे को। सो ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, और ओ बी दोनों के लिए कॉमन हो गया है। तो हमारे पास में क्या है, एस एस एस, साइड 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 से ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। और कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद हमने क्या किया, ए ओ बी बी ओ सी इक्वल प्रूव कर दिए बाय सिंपलिसिटी। और ए सी एक लाइन है, अगर ए सी एक लाइन थी तो कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो ए ओ बी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180। अब ए ओ बी बी ओ सी इक्वल थे दोनों, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री।